एवरीवन, कैसे आप सब। फाइनली आज हमारे पास आ चुकी है 2023 की लेटेस्ट लॉन्च बाइक बजाज पल्सर N150 वाइट कलर, जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो गाइस, इसी बाइक के बारे में आपको फुल डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाले हैं कि 2023 की लेटेस्ट मॉडल लेटेस्ट लॉन्च बाइक बजाज पल्सर N150 में आपको क्या क्या फीचर्स मिलता है, क्या स्पेसिफिकेशन है, कितनी इस बाइक की ऑन रोड प्राइस होने वाली है, कितनी आपको इसमें माइलेज मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर आप 2023 में इस बाइक को लेने की प्लान कर रहे हैं या लेने वाले हैं, तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट तक इस बाइक जुड़ी सभी इन्फॉर्मेशन को हम डिटेल्स में आपको बताने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस नहीं कर सके। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस बाइक के फ्रंट लुक और स्टाइल से। तो गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे, जैसा कि यह बाइक बजाज पल्सर N160 के लुक के साथ इसे लॉन्च किया गया है। जैसा गाइस आप जान रहे हो कि बजाज पल्सर P150 जो आ रही थी, बजाज ने उसे डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब उसकी जगह लॉन्च किया है बजाज पल्सर N150, नाम इसका चेंज कर दिया है, क्योंकि इनका जो यंग सीरीज़ की जो बाइक है काफ़ी पॉपुलर बाइक है, काफ़ी फेमस हुई है। तो इन्होंने यंग सीरीज़ में एक और बाइक लॉन्च कर दिया है, बजाज पल्सर N150। तो इसमें आपको जो इंजन मिल रही है, वही इंजन आपको मिल रही है जैसा कि बजाज पल्सर P150 में था, सेम वही आपको इंजन मिलती है। लुक आपको जो मिलता है, बजाज पल्सर N160 का लुक इसमें दे दिया गया है। और इस बाइक को बजाज ने सिंगल वेरियंट और 3 कलर ऑप्शन में इसे लॉन्च किया है। तो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे इसके प्राइसिंग के बारे में। तो बजाज पल्सर N150 का जो ऑन रोड प्राइस निकल कर वाराणसी में नियर अबाउट 1,44,000 से 1,46,000 के बीच में यह बाइक अवेलेबल हो जाएगी। दोस्तों, और भी प्राइस से रिलेटेड जानकारी के लिए आप बजाज शोरूम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस बाइक का एग्जैक्ट प्राइस ले सकते हैं। चलिए गाइस, अब बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट लुक और स्टाइलिंग से। तो गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है कुछ ऐसा निकल के आती है, जैसा कि पल्सर N160 का आपको लुक मिलता है, सेम उसी लुक में इसे लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको जो फ्रंट लुक निकल के आती है, यहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लैक मिल जाती है और यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने की जगह, और यहाँ पर टर्न इंडिकेटर आपको जो मिलती है, 12 वाट के हैलोजन बल्ब के इंडिकेटर दिया गया है, जो काफ़ी फ्लेक्सिबल इसमें दिया गया है। और हेडलाइट की दोनों साइड में आप देखेंगे तो रेड और ब्लैक कलर की आपको ग्राफिक्स मिलती है, जो काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। और हेडलाइट की बात करें तो गाइस, इसमें आपको जो हेडलाइट का सेटअप मिला है, कम्प्लीटली आपको LED प्रोजेक्टर हेडलाइट का सेटअप दिया गया है, जैसा कि आपको बजाज पल्सर N160 मिलता है, सेम वही लुक आपको मिल जाती है, सेम वही हेडलाइट का सेटअप इसमें भी दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो LED आपको लगी मिलती है और यहाँ पर प्रोजेक्टर LED हेडलाइट का सेटअप मिलता है, जिसका थ्रो है ना आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाता है। जो विजिबिलिटी आपको मिलेगी काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिल जाएगी इस बाइक में, जिसको लेकर आपको कोई इशू नहीं होगी। इसमें आपको अच्छी खासी इसमें विजिबिलिटी आपको मिल जाएगी इस बाइक में। अब बात करें इसके फ्रंट सस्पेंशन के बारे में, तो गाइस, फ्रंट में आपको जो सस्पेंशन इस बाइक में मिलती है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इसमें दिया गया है। और यहाँ पर आप नोटिस करेंगे इसका जो फ्रंट फेंडर आपको मिलती है, वाइट कलर में दिया गया है, जैसा कि बाइक का कलर है सेम उसी कलर में मिलती है। यहाँ पर फायर बॉडी का आपको इसमें फ्रंट फेंडर लग मिलती है। अब बात करें इस बाइक की ब्रेकिंग के बारे में, तो जैसा कि यह बाइक सिंगल चैनल ABS के साथ इसे लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो फ्रंट में आपको जो डिस्क ब्रेक लग मिलती है, 260mm का आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, ABS का चैन आपको मिलता है, और यहाँ पर ABS की आपको ब्रांडिंग मिलती है इसके फेंडर पे, और यहाँ पर सस्पेंशन पे आपको रिफ्लेक्टर लगी मिलती है, जो काफ़ी अच्छी लगी देखने में। और इसके रिम पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर रेड और वाइट कलर की ग्राफिक्स दिया गया है, जिससे इसका जो लुक है और भी अच्छा लगता है देखने में। और व्हील साइज़ की बात करें तो गाइस, फ्रंट में आपको जो व्हील साइज़ लगी मिलती है इस बाइक में, 17 इंचेस का आपको व्हील साइज मिल जाती है। और टायर सेक्शन की बात करें तो फ्रंट में आपको जो टायर मिलती है 90x90 17 इंचेस का आपको ट्यूबलेस टायर लगी मिलती है। तो इसमें आपको जो ग्रिपिंग मिलती है काफ़ी शानदार इसमें ग्रिपिंग दिया गया है, जिससे आपको जो रोड प्रेजेंस मिलेगा काफ़ी बेहतरीन आपको इस बाइक में मिल जाएगा। अब बात करें इस बाइक के साइड प्रोफाइल के, तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बाइक का जो राइट साइड प्रोफाइल है कुछ इस तरह निकल करती है, बाइक काफ़ी अच्छी लगी देखने में। यहाँ पे आप देखेंगे इसके फ्यूल टैंक पे, तो आपके यहाँ पे पल्सर की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है, जो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पे इस तरह से टैंक कॉल आपको मिलती है, यहाँ पे आपको इस तरह से ग्राफिक मिल जाती है, जो काफ़ी अच्छी लगी देखने में। तो गाइस, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे तो आपको इसमें किक भी मिल रही है, जैसा कि यह बाइक 150cc की है, तो इसमें अभी किक भी दिया गया है, जो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके यहाँ पे बजाज की आपको ब्रांडिंग मिलती है इसके इंजन पे, और यहाँ पर ब्रेक पेडल्स और रडर फुट पैड्स, प्लेट फुट पैड्स इसमें आपको मेटलिक के मिलते हैं, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इस बाइक में ऑफर किया गया है। और इस तरह से इसका साइड में मिलता है ब्लैक कलर में आपको मिलती है, इस तरह से आपको फ्यूल टैंक लगी मिलती है, काफ़ी मशहूर इसमें फ्यूल टैंक लगी मिलती है। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलती है इस बाइक में, 15 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है बजाज पल्सर N150 में। और यहाँ पर E20 का फीचर्स मिल रहा है, एथनॉल कंपैटिबल यह बाइक है। और यहाँ पर हम नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पर इसके फ्यूल टैंक पे USB चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है। और बात करें इसके हैंडल बार के बारे में, तो गाइस यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आपको जो हैंडल बार आपको मिलते हैं, इस तरह से सिंपल हैंडल बार इसमें दिया गया है। और स्विचेस की बात करें तो इस बाइक के लेफ्ट में आपको पासिंग लाइट का स्विच, हाई बीम लो बीम, टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का स्विच दिया गया है, इस तरह से आपको ग्रिपिंग मिलती है, काफ़ी शानदार इसमें
सेटिंग दिया गया है। हैंडल बार इंड आपको जो मिलता है इसमें बोतले का आपको मिल जाती है। और राइट हैंड पर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे इंजन के स्विच और पावर स्टार्ट का स्विच दिया गया है और इसकी ग्रिपिंग आपको अच्छी खासी मिल जाती है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको जो मीटर कंसोल मिलती है सेमी डिजिटल मीटर कंसोल इसमें दिया गया है। डिजिटल प्लस एनालॉग का आपको कम्बिनेशन मिलता है जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। यहाँ पे एक आरपीएम मीटर मिल जाती है, इंजन चेक लाइट, बैटरी इंडिकेशन, एबीएस का इंडिकेशन। और इसके डिजिटल मीटर में आपको किलोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, IFEDT ये सारी फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो कुछ इस तरीके का आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल इस बाइक में दिया गया है। अब बात करें इस बाइक के रियर सस्पेंशन और ब्रेकिंग के बारे में, तो रियर में आपको जो सस्पेंशन इस बाइक में मिलती है मोनोक्रॉस सस्पेंशन इसमें दिया गया है। और रियर ब्रेकिंग की बात करें तो रियर में आपको जो ब्रेकिंग लगी मिलती है 130mm का इसमें ड्रम ब्रेक का सपोर्ट इसमें दिया गया है। यहाँ पे RLP पैनल आपको मिल जाती है। और व्हील साइज की बात करें तो रियर में आपको जो व्हील साइज लगी मिलती है 17 इंचेस का आपको व्हील साइज मिलती है। जिस पर आप नोटिस करेंगे तो आपको फ्रंट की अपेक्षा थोड़ा सा इसमें वाइडर टायर दिया गया है, 120x80 17 इंचेस का आपको ट्यूबलेस टायर लगी मिलती है जिसकी ग्रिपिंग आप देख पा रहे हो, शानदार आपको इसमें ग्रिपिंग मिल जाती है। और रियर साइड में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर तो N150 की आपको ब्रांडिंग मिलती है, इससे ग्राफिक्स दिया गया है। और गाइस इसके रियर प्रोफाइल की बात करें तो इसका जो रियर प्रोफाइल है कुछ इस निकल जाती है। जो टेल लाइट आपको लगी मिलती है इस बाइक में LED टेल लाइट इसमें दिया गया है जो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, जैसा कि आपको पल्सर N160 मिलती है सेम उसी टाइप का आपको LED टेल लाइट आपको लगी मिलती है। और टर्न इंडिकेटर आपको जो मिलता है यहाँ पर आप देखेंगे तो 12 वाट के हैलोजन बल्ब के इंडिकेटर आपको इस बाइक में भी लगी मिलती है, रियर में भी। और इसका जो ग्रैब हैंडल्स मिलता है इसमें सिंपल आपको ग्रैब हैंडल्स इसमें मिल जाती है, जबकि आपको पल्सर N160 में स्प्लिट टाइप का इसमें ग्रैब हैंडल्स दिया गया है, लेकिन आपको N150 में सिंपल आपको इसमें ग्रैब हैंडल मिल जाती है। और यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो इसमें आपको जो सीट लगी मिलती है काफ़ी कंफर्टेबल आपको इसमें सीट लगी मिलती है, जो कि आप देख पा रहे होंगे सिंगल सीट इसमें ऑफर किया गया है। कुशनिंग की बात करें गाइस तो इसमें आपको जो कुशनिंग मिलती है काफ़ी वेयर कुशन इसमें सीट दिया गया है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। तो राइडिंग कंफर्ट है आपको काफ़ी अच्छी खासी इस बाइक में देखने को मिल जाएगी। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस बाइक का जो लेफ्ट साइड प्रोफाइल है कुछ इस तरह निकल जाती है। तो गाइस आपको ओवरऑल यह बाइक कैसी लगी है पल्सर N150 कमेंट सेशन में जरूर बताएगा। तो इस साइड में भी आप देखेंगे तो जो SSS लगी मिलती है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इसमें SSS ऑफर किया गया है। इस तरह से आपको इसमें मैसूर फ्यूल टैंक लगी मिलती है, यहाँ पे आपको इस तरह से ग्राफिक्स मिल जाती है। चलिए गाइस अब बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो गाइस इसमें आपको जो इंजन लगी मिलती है बजाज पल्सर N150 में 149.68 BHP की आपको इंजन लगी मिलती है, जो मैक्स पावर जनरेट करती है 14.3 BHP की पावर जनरेट करती है। एट 8500 RPM पे आपको मैक्सिमम पावर मिल जाती है। मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो इसमें आपको जो मैक्सिमम टॉर्क मिलती है 13.5 Nm का आपको टॉर्क मिल जाती है। एट 6000 RPM पे आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल जाती है। और इसमें आपको जो गियर बॉक्स लगा मिलता है 5-speed गियर बॉक्स आपको लगी मिलती है। साइड इससे यूनिट कट आपको फीचर्स मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से आपको इसमें काफ़ी पावरफुल आपको इसमें इंजन लगी मिलती है। माइलेज की बात करें तो इसमें आपको जो माइलेज मिलेगी नियर अबाउट 40-45 KMPL की आपको इस बाइक में माइलेज मिल जाएगी। सो गाइस ये रहा बजाज पल्सर N150 का डिटेल रिव्यू, जिसमें हमने आपको बता दिया कि इस बाइक में क्या क्या फीचर्स मिलता है, क्या स्पेसिफिकेशंस है, इस वीडियो में डिटेल्स में बताया हुआ है। सो गाइस कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी ये बाइक बजाज पल्सर N150 कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई बाइक के साथ किसी नए रिव्यू में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल पर ऑन करें जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस कर सकें।